हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो वो 6 पोर्ट का जो डिजिटल चार्जर होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये किस तरीके से वर्क करता है और सारी जानकारी आपको मैं दूंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। और ये कितना बेस्ट चार्जर है, ये आप लोगों को क्यों लेना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है और किस काम में ये आता है और ये कैसे काम करता है, सब कुछ मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसको ऑन करते हैं केबल लगा के। ये इसका केबल है जो कि पीछे से प्लग होगा और यहाँ से इसको लगा के हम इसको ऑन करते हैं पहले तो, ठीक है। ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे जो है वो ये 6 पोर्ट का है और यहाँ पे जो जो डिजिटल स्क्रीन है वो भी यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि अलग अलग आप मान लो अगर एक नंबर पे अगर लगाओगे तो एक नंबर पे यहाँ पे डिजिटल में शो करेगा कि चार्ज हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको लगा लगा के भी चेक कराऊँगा। यहाँ पर भी 6 डिजिटल नंबर बन के यहाँ पर आ रहे हैं स्क्रीन पर और इधर 6 पोर्ट भी बने हुए हैं, ठीक है। ये 1 हो गया आपका और नीचे आप लोगों को इधर दिखेगा, ठीक है। अगर आप इधर लगाओगे चार्ज तो इधर 1 में दिखेगा, ठीक है ना। तो ये 1, ये 6, ठीक। और ये कुछ अलग प्रकार से यहाँ पे जो रेड कलर की लाइनिंग से इसको बॉर्डर किया गया है, ये किस लिए है इसका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, पहले तो हम एक फ़ोन चार्ज लगा के मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक कराता हूँ। एक मोबाइल लिया हमने और एक केबल लेंगे। चलिए यहाँ पे 1 पे लगाते हैं, ठीक है। 1 नंबर पे यहाँ पे हम एक केबल लगा के और फ़ोन को चार्ज पे लगाएंगे, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ फ़ोन को चार्ज लगाया 1 नंबर पे, तो यहाँ पे जो डिजिटल स्क्रीन है वहाँ पे आप लोगों को ब्लिंक करते हुए दिख रहा है कि 1 नंबर पे जो है USB केबल लगी हुई है और फ़ोन चार्ज हो रहा है। अगर चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे जो है ब्लिंक वगैरह नहीं करता। तो उस कंडीशन में या तो केबल वगैरह ख़राब होती है या सॉकेट वगैरह ख़राब होता है, तो उसकी वजह से ब्लिंक नहीं करता। अगर आपका फ़ोन अगर चार्ज हो रहा है तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता है कि आपने 1 नंबर पे जो है वो USB केबल लगा के आपका फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो करता है। अभी 1 नंबर से निकाल के हम यहाँ पे 6 नंबर पे लगा देते हैं, तो देख लो यहाँ पे 6 नंबर अब ब्लिंक करने लगा है और नीचे 6 नंबर पर यहाँ 1.23 एम्पियर भी ले रहा है। मतलब कि ये जिस भी पोर्ट में आप लगाओगे आपको उसी पोर्ट पर यहाँ पर स्क्रीन पर शो करेगा कि फ़ोन आपका इस नंबर पे लगा हुआ है और चार्ज हो रहा है या नहीं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसमें एक साथ 6 भी लगा सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं। QC 3.0 इसका मतलब क्या है और ये क्या खास अलग है, इसको अलग तरीके से बॉर्डर क्यों किया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक केबल लिया है मैंने और इसमें लगाया है, ठीक है, जिसमें कि रेड कलर की जो बॉर्डर की गई है ना QC 3.0 उसमें लगाया हमने और यहाँ पे एक फ़ोन को हमने चार्ज लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे होंगे कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आप लोग फर्स्ट में देखो 9.1 जो है वोल्ट ले रहा है और इधर 1.545 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, मतलब फ़ोन जो है वो यहाँ पे फास्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। जो कि काफ़ी सारे फ़ोन जो आप लोगों ने देखे होंगे सैमसंग के और रियलमी के, जो कुछ रेडमी वगैरह फ़ोन होते हैं जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, ये स्पेशल उसके लिए दिया गया है। तो आप जो फास्ट सपोर्टेड फ़ोन होते हैं, फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड, उसके लिए दिया गया। अब यही केबल को हम अगर निकाल के ऊपर लगा देते हैं तो देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे चार्जिंग तो दिखा रहा है, चार्जर पे चार्जिंग दिखा रहा है और एम्पियर भी ले रहा है, बट नीचे देखेंगे आप लोग फ़ोन पे तो वहाँ पे ओनली चार्जिंग दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्लर हो रहा है, ये देखो ओनली चार्जिंग दिखा रहा है, मतलब कि इसमें आप कोई सी भी 2 नंबर को छोड़ के कोई से भी पोर्ट पे लगा दो, ओनली ये चार्जिंग दिखाएगा। बाकी जो 3 नंबर का जो दिया हुआ है, 3 और 4 नंबर का, उस पर आप अगर लगाओगे तो फास्ट चार्जिंग दिखाएगा, क्योंकि जो कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए स्पेशल ये दिया गया है। देखो 9.1 वोल्ट ले रहा है और इधर एम्पियर भी ले रहा है और फ़ोन पे आप देखोगे तो वहाँ पे फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है। जो फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उसके लिए स्पेशल ये वाला दिया गया है, पोर्ट 2 और 3,
जो कि PD नाम से एक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये थी खास बात इस चार्जर की। और ये चार्जर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो भाई लोग ये चार्जर आप लोगों को लेना चाहिए, काफ़ी बढ़िया चार्जर है और मोबाइल रिपेयरिंग में ये बहुत ही हेल्प करने वाला चार्जर है। इसके वीडियो आगे भी आते रहेंगे, तो आप तो जुड़े रहना आप लोग मेरे चैनल के साथ। और वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इस चार्जर की जो प्राइस है वो 1200-1200 रुपये में आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, तो आप लोग खरीद लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।